हाय शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. थैंक यू वेरी मच। या सो शिवम, लाइक कैन यू इंट्रोड्यूस योर सो सेल्फ इन ब्रीफ. माय नेम इज शिवम तिवारी। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई एम द फाइनल ईयर ईसी स्टूडेंट ऑफ एमआईटी जयपुर। आई रिसेंटली गॉट प्लेस्ड एट एक्सपीरिया एज SD1। बेसिकली दिस वाज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आई गॉट द इंटर्नशिप इन फेब्रुअरी। देन आफ्टरवर्ड इन जुलाई आई ज्वाइन द 8 week इंटर्नशिप। And after the performance, after the overall review, I got the PPO offer from the company. So Shivam, like Expedia क्या product बनाती है या इस company का थोड़ा background एक बार बता दो। Expedia एक service based company है, तो basically like hotels, room, cars या फिर aeroplane, ये सब चीजों की services वो provide करती है कि आप चाहो तो इनके through contact कर सकते हैं। आपको कहीं भी vacation plan करना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो उसके लिए ये आपको प्लान करके दे सकती हैं। आपको एक ही जगह बस इनसे करना होगा, ये आपको पूरी जगह लॉग इन लॉग आउट सब कुछ करा देंगे। तो इसका जो आपका इंटरव्यू हुआ था, इसमें लाइक कितने राउंड्स हुए थे एंड कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और फिर इसमें फाइनली कितने सेलेक्ट हुए थे? बेसिकली अराउंड 300 बच्चे तुम कह सकते हो कि उन्होंने अप्लाई किया था, और 300 बच्चों में से 26 या 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। तो ये प्रोसेस था कि पहले एक इनका लाइक सिंपल एमसीक्यू बेस्ड था, उसमें तुम्हारा पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए वो टेस्ट था। तो उसके बाद हमारा टेस्ट थे कोडिंग राउंड, जिसमें दो कोडिंग क्वेश्चन थे। तो एक कोडिंग क्वेश्चन जो आया था वो थोड़ा सा मैंने देखा हुआ था, कहीं ना कहीं मैंने किया था उस क्वेश्चन को, तो वो बन गया था। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया था डीपी का, तो वो हो गया, तो उससे टेस्ट निकला। उसके बाद इंटरव्यू में दो राउंड थे, दोनों टेक्निकल राउंड थे, और एचआर वहां पे आई थी दोनों, और जो भी दोनों टेक्निकल राउंड में क्लियर हो जाता दोनों से पास पा पा रहा था। मतलब 4 इंटरव्यूअर थे, उनमें से 2 से इंटरव्यू हमें देना था, और दोनों ने अगर बोल दिया कि ये आप पॉजिटिव टू इट, तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा था। ओके, फिर इसके बाद एचआर राउंड भी हुआ था आपका? नो, एचआर राउंड नहीं था इसमें, एचआर राउंड लिया नहीं उन्होंने, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया था टेक्निकल राउंड के बाद। टेक्निकल राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, लाइक बेसिक क्वेश्चंस आपसे? पहला टेक्निकल राउंड जो था, तो उसमें दोनों कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बताया, और मेन उनका था कोडिंग क्वेश्चन ही पूछे उन्होंने कि डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक स्टैक का क्वेश्चन था, मतलब स्टैक उसमें लग सकता था ऐसा क्वेश्चन था, या बिना स्टैक के भी उसे यूज कर सकते थे। और एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन था, जो इजी लेवल कह सकते हो कि ताकि जान सके कि बच्चा का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन था। और इसके अलावा तो कोई और डिस्कशन हुआ नहीं कि रेज्यूमे पे जाना है या कुछ। लेकिन सेकेंड राउंड में मुझसे रेज्यूमे पूछा था कि मैंने जैसे मेंशन किया था, एक मैंने ऐप बनाया था, तो एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, उस ऐप की मदद से आप अपना एक्सपेंस उसमें नोट करके रख सकते हो कि जैसे आज मेरे इतनी इतना खर्चा हुआ, यहाँ हुआ, और वो आपको वीकली समरी भी देगा कि आपने इस दिन ज्यादा खर्च किया, कम किया, और भी कई चीजें थी। अच्छा, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा उन्होंने पूछा था सेकेंड राउंड में कि क्या है, कैसे काम करता है, और इसमें तुमने ये स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी क्यों ऐड करी जो कि इसके थीम से मैच नहीं करी, ये सब उन्होंने पूछा था। तो मैंने वही सब का जवाब दिया था। और इसमें फाइनली कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे फाइनल राउंड में? 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, फॉर द इंटर्नशिप फ्रॉम अवर कॉलेज। और जो इंटर्न टू पीपीओ जो कन्वर्जन होता है वो लाइक कितने परसेंट हुआ था? परसेंट एग्जैक्टली परसेंटेज तो नहीं बताया किसी ने, और ये फिक्स नहीं रहता, बेसिकली डिमांड पे मैटर करता है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं। आईटी के स्टूडेंट्स जो थे उसमें से कितने लोगों का हुआ है? 5 बच्चों को सिलेक्ट हो गए थे, 6 में से 5 को दिया है पीपीओ। अच्छा, एक बच्चे के जो टीम थी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए उसको शायद नहीं मिला। ओके ओके, मींस कन्वर्जन भी अच्छा है अगर मैं देखूं तो। हाँ, अच्छा कन्वर्जन है। इसमें लाइक आपका कितना जो इंटर्न का स्टाइपन कितना था और फिर कन्वर्ट होने के बाद में जो अमाउंट था पीपीओ कितना था? तो इंटर्नशिप का स्टाइपन था 35,000, और उसमें आपको 35,000 के अलावा 20,000 रीएलोकेशन भी दिया था वन टाइम। अच्छा, और इसके अलावा जब एज अ एसजी ज्वाइन करोगे तो 14.5 लाख पर एनम ये बेस पे है, और इसके अलावा
12 लाख के स्टॉक्स है जो हर एक एक साल में 4 साल में दिए जाएंगे, तो okay. से 4 लाख, और उसके अलावा वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस 5 लाख अप्रॉक्स है. जो सीटीसी जो अमाउंट है ये टोटल अगर देखें तो एमएनआईटी का हाईएस्ट है या फिर इससे भी हाईएस्ट गया है अपना? इससे भी हाईएस्ट है एमएनआईटी में, जैसे 56 गया है जोमेटो से. ये जो कंपनी है स्कोरिंग से रिलेटेड है, सीएसई बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो इसमें बाकी की जो ब्रांच थी वो भी एलिजिबल थी क्या, लाइक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल? बेसिकली 6 में से जो एक इंटर्न सेलेक्ट हुई थी वो प्रोग्राम मैनेजमेंट का रोल था, तो प्रोग्राम मैनेजमेंट सिविल के बच्चों को एलिजिबल किया था. अच्छा, तो प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और भी शायद दूसरी ब्रांच के लिए भी खुला था ये कंपनी. अच्छा, अलग अलग रोल के लिए खुली है. आप एमएनआईटी से हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक कोडिंग में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं बट उनका जो बैकग्राउंड है वो कोडिंग से नहीं है, जैसे कि किसी का केमिकल है, सो वो इन कंपनीज में अगर आईटी कंपनी में उनको कैरियर बनाना है तो उनको कौन कौन सी स्किल्स लाइक अभी से डेवलप करनी चाहिए आपके हिसाब से? कोडिंग में जाना है तो स्किल्स मैं ऐसी बताऊंगा जो सबके लिए जरूरी है. ये नहीं कि आप सीएससी के तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी अभी आई थी कंपनी यहाँ पे, तो 8 बच्चे टॉप, एकदम अच्छे बच्चे जो सारे ब्रांच के टॉपर हैं, बहुत अच्छी सीजी है, वो सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल राउंड तक गए, लेकिन कंपनी फिर किसी को नहीं ले गई क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जावा था. जावा स्प्रिंग बूट बेसिकली टेक्निक, मतलब कंपनियों में अगर आप जाओगे तो ये दो चीजें हैं जो यूज होती है, जावा स्प्रिंग बूट कॉटलिन और मेनली यही. अच्छा, तो इसलिए अगर ये बच्चे को आता है, एटलीस्ट जावा आती है, तो काफी अपर एज मिलता है. जैसे एक कंपनी आई थी, अच्छी कंपनी थी काफी, तो उसमें 22 बच्चे हुए थे शॉर्टलिस्ट, तो उनमें से 21 बच्चों को अलग रखा था, एक को अलग रखा था, उससे एक बच्चे को जावा आता था, उन सभी का थोड़ा ठीक है, उनको हटा दिया या जो भी, उनमें से भी सेलेक्ट किया, लेकिन इसको तो लिया ही. तो जावा और स्प्रिंग बूट अगर बच्चे को आता है तो काफी अपर एज मिलता है कंपनी में. कोडिंग के अलावा जैसे आजकल डाटा एनालिस्ट का जॉब अच्छा है, एमएल का काफी अच्छा स्कोप है, धीरे धीरे डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर इनकी जॉब बढ़ रही है. तो आप पाइथन, पैंडास और एमएल पे अगर फोकस करो तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और लाइक डीएसए से आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने रिज्यूमे में जावा स्प्रिंग बूट लिखा है तो कंपनी वाला कहीं ना कहीं डीएसए के क्वेश्चन छोड़ के आपको इस पे भी जा सकता है. डीएसए के क्वेश्चन में वो बहुत उलझा सकता है या एकदम कोर अंदर चला जाएगा C++ में, जो कई बच्चे नहीं बता पाते हैं. C++ में वर्चुअल फंक्शन के अंदर का डिफाइन क्या है ये सब पूछ लेगा, तो नहीं होता है. बट अगर आपने जावा लिखा है, अच्छे से बताया, तो कंपनी चांसेस है वो आसानी से आपको ले ले. मैम, इसमें लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही स्टूडेंट्स को देखा है कि टेक्निकल काफी स्ट्रॉन्ग है लाइक जिसका कम्युनिकेशन में थोड़ा वीक है, सो इंटरव्यू में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का? काफी इम्पैक्ट पड़ता है मेरे को लगता है. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा जब सेकेंड टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें पहले प्रोजेक्ट डिस्कशन थोड़ा सा होने के बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो मुझसे नहीं बन रहा था. मैंने उन्होंने एक अप्रोच बताई, उन्होंने बोला ये नहीं, फिर मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेरे को लग रहा है वो बताते गया, उसी में मेमोराइजेशन ये सब टेबलेशन ये सब मैं बता रहा था, तो उन्होंने बोला ये नहीं कुछ अलग सोचो. तो फिर काफी थोड़ा एक अच्छा खासा टाइम लेने के बाद मेरे को दिमाग में आया कि एक बार फिर से ग्रीडी एल्गोरिथम बताता हूँ, तो मैंने वो बताया, तब उन्होंने बोला हाँ, और फिर बोला लिखो. तो उस सपोजली वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे जाने थे बट मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा, और मेरे को लगा कि यार ये तो खराब हो गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन की जगह एक में ही उन्होंने खत्म कर दिया. फिर उसके बाद जब शाम को रिजल्ट आया तो मैं सिलेक्ट हो गया था, तो मेरे को पता नहीं कैसे ये वो, बट जब मैं गया वहां पे इंटर्नशिप करने तो वो मेरे को मिले थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. अच्छा, तो मैंने उनसे बात की, पूछा उनसे कि सर ऐसा क्या, तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, तुम्हारा बताने का तरीका, तुम्हारा नॉलेज और कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है. अपने जो कॉलेज में जो ऐप बनाया था उसका आपको एडवांटेज मिला है, आपको लगता है ऐसा लाइक स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ये देयर एकेडमिक, एकेडमिक के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलपमेंट? प्रोजेक्ट तो चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं, एटलीस्ट एक मन का प्रोजेक्ट तो चाहिए होता है, 1-2 मन के प्रोजेक्ट. तो मेरा एंड्रॉइड फील्ड था, तो मैंने एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाया था फ्लटर की मदद से.
तो वो मैंने अपने रिज्यूमे में डाला था, क्योंकि उस समय बेस्ट प्रोजेक्ट मेरा वही था जो यूजफुल था। वैसे प्रोजेक्ट तो मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि केवल डीएसए के बेसिस पे आजकल कंपनियां कम ले रही हैं। कुछ अच्छा कंपनियां आती हैं जो पार्टिकुलरली डीएसए ही मांगती हैं, और एकदम अच्छे से अगर आप डीएसए कर रहे हो बहुत अच्छे लेवल का आप हो जाएगा, लेकिन वो कंपनियां बहुत कम है। तो अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए प्रोजेक्ट अच्छे बनाओ और वेबसाइट, हाँ एक फुल स्टैक, एक दो फुल स्टैक वेबसाइट होनी चाहिए, और ये भी कम है आज के टाइम पे, क्योंकि ये कोई अपर एज नहीं देती कि सब बच्चे जिनके भी होंगे सबके में एक दो मन की प्रोजेक्ट होते ही हैं, तो राइट हो सकता है आप कुछ अलग कर दो। सीजीपीए का कुछ रोल रहता है इसमें लाइक अकेडमी। सीजीपी का लाइक इस कंपनी में तो नहीं था, हाँ बट कई कंपनियां हैं जो सीजीपी का रखती हैं क्राइटेरिया। ओके जैसे एक कंपनी थी उन्होंने 8.4 रखा था, 8 भी नहीं 8.4। तो अच्छा और कई कंपनियां जैसे शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे ने तीनों क्वेश्चन, अगर तीन क्वेश्चन आए तीनों बना दिए, बट फिर भी उन तीन में भी तीन चार बच्चों में से एक उसको लेगी जिसकी सीजीपी अच्छी है। तो सीजीपीए अच्छा कहीं ना कहीं बहुत मैटर कर जाता है, और अच्छा कई बच्चे केवल सीजीपी की वजह से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं या अपर हैंड मिलता है। केवल ओके सीजीपीए नहीं, अपना टैलेंट भी होता है कि हाँ कोडिंग किया नहीं किया, बट सीजीपीए से अपर हैंड मिलता है। फर्स्ट ईयर इसलिए में सेकंड ईयर में है उनको मिनिमम कितना सीजीपीए लाइक मेंटेन करना चाहिए ताकि कोई भी एट कंपनी में दिक्कत ना हो एट उनको। एट प्लस तो एटलीस्ट ट्राई करो, एट प्लस ठीक है, उसमें आराम से आप मेंटेन कर सकते ओ थैंक यू हो। शिवम। लाइक एक हाँ फ्रेशर्स को थैंक यू। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो। तो लाइक ये एडवाइस मेरे को एक मेरे दोस्त ने दी थी जिसका हो गया था, तो उसने बोलता लाइक अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसा मत सोच के जाना कि यही कंपनी है बस इसी में मेरे को निकालना है, ऐसा अच्छा नहीं। चिल होके जाओ कि ठीक है इसमें हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि अगर तुम वो सोच के जाओगे कि मेरे को इसी में निकालना है तो कोई ना कोई दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा सा भी अपडाउन में बहुत प्रेशर होगा दिमाग पे। थोड़ा राइट सा चिल माइंड से जाओ, कॉन्फिडेंटली बोलो, जो भी पूछे बताओ, प्रैक्टिस करो इधर उधर इंटरव्यू की, तो आराम से निकल जाएगा तब चिल तक। होके जाना है इंटरव्यू से पहले थोड़ा राइट चिल और कॉन्फिडेंटली बोलो, जो भी है ओके अच्छे से कन्वे करो। ओके सो थैंक यू फॉर योर टाइम। काफी अच्छा लगा आपसे थैंक यू डिस्कस वेरी करके मच। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी।